मैंने स्टार्ट छोटे से ही की ऑब्वियसली एज ए स्टार्टअप 4-5 लोगों के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टैलेंट मिलता गया, वो अचीवमेंट्स हमारे पास आती गई, जहाँ पे हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो प्योरली इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। हमारे कस्टमर्स यूके के हैं, यूएस के हैं, यूरोप के हैं। उन्होंने हमारा काम देखा, उससे हमारा वर्ड ऑफ माउथ से ही काम बढ़ता गया कि आज हम 100+ IT इंजीनियर्स की कंपनी है जम्मू में। मेरे पास एक अपनी टीम है जो यूके में हमारी टीम है, दे वर्क डायरेक्टली विद द क्लाइंट्स जैसे अकाउंट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट का, और जो बाकी टेक्निकल काम सारा हो हम जम्मू से 24/7 अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और इस वजह से हमारे लिए एक मतलब एक अलग सा हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जम्मू में, जहाँ पर जो यहाँ के लोकल यूथ हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जम्मू छोड़ के नहीं जाना है या उनके पास कोई और रिस्ट्रिक्शंस हैं या अपना होमलैंड में ही रहना है, देन नाउ दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी विद अस। वो RVS में काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट उनको एक्सपोजर भी मिलता है, ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं, एंड ऑफ कोर्स जब आप कस्टमर के साथ, इंटरनेशनल कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी उसी हिसाब से डेवलप होती है। सो फार जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब है एंड इट्स बिन रियली नाइस सो फार। और मतलब जो भी मैंने सीखा है इधर ही सीखा है, इनिशियल से लेके अभी तक मैं जितनी हूँ। आई वर्कड इन 2 प्रोजेक्ट सो फार एंड आई थिंक आई वर्क रियली गुड एंड गुड प्रोग्रेस है। एंड इट्स नॉट बिकॉज सिर्फ मेरी कि मैंने काम किया उस वजह से, बट जो मुझे सिखाया गया और गाइडेंस मिली है, आई थिंक ज़्यादा क्रेडिट उस साइड जाता है जो कि इंटायरली कंपनी ने दी है और मेरे मेंटोर्स ने दी है इधर। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने पहले नहीं सोचा था कि जम्मू में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं इससे पहले टेक महिंद्रा नोएडा में थी। मेरी डॉटर है छोटी, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए मुझे स्विच करना पड़ा, और वो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी मुझे अभी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई। और सेम वर्क कल्चर है, सेम चीज़ें हैं, सेम टेक्निकल इशूज़ जो वहाँ पर हम लोग सॉर्ट करते थे, सेम यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और ये जम्मू वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक IT के लिए स्टार्टअप बहुत अच्छा है। एंड आई होप कि ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करे, ताकि जो यंगस्टर्स जम्मू से बाहर जाते हैं इस जॉब के लिए, एटलीस्ट उनको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जब मैं वापस आया, ऑब्वियसली मेरी फैमिली यहाँ पे है, तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे IT कंपनी है। तो जब मुझे पता लगा, आई गॉट सिलेक्टेड, और तब से मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ। और एक अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो एक बड़ा लिमिटेड एक्सेस होता है, लिमिटेड चीज़ों पर काम करना पड़ता है। बट RVS में मैंने क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखी और उन पर काम करना स्टार्ट किया, और आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी ग्रोथ एक यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर जा रही है। When I came to know about this, तो बहुत अच्छा लगा कि घर पे ही सब कुछ अच्छे से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी है हमारी यहाँ पे, हर लड़की को मिली हुई है। एंड और मुझे यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं लगता कि जैसे लड़कियों को सिखाया नहीं है, कुछ वैसा नहीं है। बहुत अच्छे से एवरीबडी इज़ हेल्पफुल, सब अच्छे से सिखाते हैं, सब अच्छे से करते हैं। ज़्यादा सिक्योर और अच्छा लगता है बिकॉज घर भी पास में ही है, और जो एक्सपेंसेस है जो वहाँ खर्च होने हैं वो यहाँ थोड़े कम होते हैं, तो ज़्यादा बेटर है।